मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में निराशा है, दुख है, समस्याएं हैं, चिंता है, तो आप लोग इन वचनों को हमेशा याद रखें और इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें। यदि ये वचन आपके जीवन में होगा, यदि आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो आपके हर एक दुख दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में आपको खुशियाँ नजर आएंगी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आप लोगों को वचन बताते हैं। हम पहला वचन निकालते हैं भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 9। वहाँ वचन लिखा है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप निराश हैं, आपका मन टूट गया है, आप दुखों में हैं, चिंताओं में हैं, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिसका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। तो आप प्रभु को पुकारे, प्रभु को बोले कि प्रभु आप दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूटता है प्रभु आप उन्हें संभालते हैं, तो प्रभु आपको संभालेगा। लेकिन आपको ये वचनों का अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु हमें संभाल, तू ही हमारा सहारा है, तो प्रभु आपको संभालेगा। बहुत सारे लोग दुखों में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं पुकारते, इसलिए वो अपने दुखों से, अपने चिंताओं से आज़ाद नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको दुखों से, बीमारियों से, चिंताओं से आज़ाद करेगा। दूसरा वचन है नित्य वचन अध्याय 16 पद संख्या 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोग ये सोच के निराश रहते हैं कि उनके काम नहीं बनते, उनके कोई सोचे हुए कार्य सफल नहीं होते, तो वे निराश हो जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। आप जो भी काम सोच के रखें, यदि आप उन कामों को यहोवा पर डाल देंगे, परमेश्वर पर डाल देंगे कि प्रभु आप ही इन कामों को पूरा कर, तो प्रभु आपके हर एक कामों को पूरा करेगा, आपकी हर एक योजनाओं को, आपके सोचे हुए कार्य को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग अपने कामों को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को प्रभु पर डाल दें। प्रभु ही सारी चीज़ों को दूर करेगा, सारी समस्याओं का समाधान करेगा और सारे कामों को बनाएगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों के द्वारा जरूर आशीषित हुए होंगे और जरूर आपको समझ में आया होगा इन वचनों को जानकर, सीखकर, कि अपने कामों को यहोवा पे डालना है, तभी आपका काम सफल होगा। चलिए हम अगले वचन को देखते हैं। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उनका हाथ थामे रहता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप अपने जीवन में अपने समस्याओं से, अपने चिंताओं से गिर चुके हैं, तो प्रभु आपको गिरने नहीं देगा, प्रभु आपको पड़ा रहने नहीं देगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके हाथों को पकड़ेगा और आपको उठाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे होते हैं जो पापों में गिरते हैं और प्रभु से विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम पाप कर दें और प्रभु के पास नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो मैं उन्हें उठाकर खड़ा कर दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप कोई भी चिंताओं में, समस्याओं में, तो आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु को अपना हाथ दे, तो प्रभु आपको संभालेगा, आपको उठाएगा और फिर से आपको खड़ा कर देगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप अपने जीवन में निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है वो दुनिया का सृष्टि करता है, उन्होंने इस संसार की रचना की है। तो हमको कोई भी बातों की चिंता नहीं करनी, हमको कोई भी चिंताओं, कोई भी दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। वही हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारे कर्जे को, हमारे हर एक चीज़ों को वही दूर करता है। तो आज से आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें और इन वचनों को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।